नमस्ते, आपका कंट्रोल पैनल के लेसन में फिर स्वागत है। अब हम देखेंगे कंट्रोल पैनल के और आखिरी फीचर्स के बारे में। तो अब हम चलते हैं कंट्रोल पैनल में। ये आ गया आपका कंट्रोल पैनल। तो अब हम देखेंगे नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स के बारे में। तो क्लिक करें तो ये आपका आ गया नोटिफिकेशन आइकन। पहले नोटिफिकेशन एरिया है क्या? तो ये नोटिफिकेशन एरिया है, तो इसी को नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, जो डेट एंड टाइम के बगल में है और जिधर वॉल्यूम, नेट और एवं अलग अलग और भी फीचर्स हैं। तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो आपको अगर इधर आइकन्स चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसका हाइड कराना चाहता आइकन तो यहाँ से निकल जाता है, पर अगर मैं इसको वापस शो कराना चाहता हूँ तो शो हो जाता है कुछ इस तरह। तो यही है नोटिफिकेशन एरिया आइकन्स, उसको आप चेंज कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, आप लगवा भी सकते हो। तो ये कुछ इस तरह है। हाँ, एक और है, आप अगर सारे आइकन एक ही साथ दिखाना चाहते हैं तो कुछ इस तरह दिखेगी, और अगर जिसके मुताबिक दिखाना चाहते हैं तो उस तरह दिखेगी। उसी के बगल में पेरेंटल कंट्रोल्स है। फिलहाल तो हमारे यहाँ पे कोई बच्चे नहीं हैं तो हमने पेरेंटल कंट्रोल्स तो नहीं डाले, लेकिन अगर आपके बेटे या बेटी या फिर आपको किसी और आपके आपसे भी छोटे इंसान से आपको कुछ चीज़ें बदलनी है या छुपानी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपका पेरेंटल कंट्रोल्स काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो कुछ इस तरह है, तो ये पेरेंटल कंट्रोल्स है। उसके बगल में आपका परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स लिखा हुआ है, तो आप उसे क्लिक करें तो यहाँ आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगी आपकी कंप्यूटर की क्या है। फ़िलहाल तो हमें ग्रेड 4.2 मिला है आउट ऑफ 7.9, तो मेरे ख्याल में 4.2 आउट ऑफ 7.9 बहुत ही अच्छी स्कोर है, क्योंकि उसमें सिर्फ ग्राफिक्स की थोड़े प्रॉब्लम्स हैं और बाकी सारे बहुत ही अच्छे स्कोर मारे हैं। तो आप इसमें और भी आप विजुअल इफ़ेक्ट्स और भी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, तो यहाँ पे आप चेंज करा सकते हो। फिर इंडेक्सिंग ऑप्शन है आपके पास, तो इंडेक्स करा सकते हो किसी भी चीज़ को आप। फिर पावर ऑप्शन, जैसे हमने पावर ऑप्शन पहले भी देख लिए हैं। फिर आप डिस्क क्लीन अप चालू कर सकते हो, अगर आपको क्लीन करना है आपका कोई रजिस्ट्री फाइल और कोई अनवांटेड फाइल्स निकालने हैं आपको तो आप उसे क्लीन करा सकते हो। फिर आपके पास एडवांस टूल्स है जिससे आप डायरेक्टली क्लिक करके सारी चीज़ें साफ कर सकते हो या डिफ्रैगमेंट कर सकते हो या टास्क मैनेजर वगैरह टाइप्स की चीज़ें खोल सकते हो। तो ये था आपका परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एंड टूल्स। हम बैक जाएंगे और वापस हम कंट्रोल पैनल पे आ जाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि फ़ोन एंड मॉडम क्या चीज़ है। तो फ़ोन एंड मॉडम, दरअसल अभी के टाइम में फ़ोन एंड मॉडम इतना नहीं चलता, लेकिन अगर आपके घर पे डायल अप कनेक्शन है तो आप यहाँ पे एरिया कोड लगा सकते हो, आपका फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो और आप यहीं से शुरू कर सकते हो अपना फ़ोन। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है वैसे तो, लेकिन अभी इतना चलता नहीं है शायद। और उसके बाद हम देखेंगे रिकवरी क्या है। तो रिकवरी आप क्लिक करोगे तो आपके पास अगर सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन रहेगा, आपके इसमें OEM रहेगा तो आप क्लिक कर सकते हो, तो आपका सिस्टम रिस्टोर अपने आप शुरू हो जाता है। और आपके पास एडवांस रिकवरी मेथड्स भी है तो आप अपना री इंस्टॉल कर सकते हो विंडोज़, जैसे हम एक वीडियो में फिर दिखाएंगे आपको इंस्टॉल और री इंस्टॉल कैसे करते हैं विंडोज़ को करके। या फिर आपके पास अगर इमेज है पहले से तो आप उसके भी कर सकते हो। तो ये एक तरह से रिकवरी है आपके विंडोज़ का। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्पीच रिकग्निशन क्या चीज़ है करके। तो आप क्लिक करें तो स्पीच रिकग्निशन दरअसल आपका पूरा माइक का जो सेटअप है उसी का पूरा इजी वे ऑफ देखना है, क्योंकि आप यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच भी डाल सकते हो। आपका टेक्स्ट आप जैसे बोलोगे वो अपने आप लिखेगा, लेकिन काफ़ी बार चलता नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें अमेरिकन इंग्लिश समझती है, हमारी देसी भाषा समझती नहीं है, तो इसके वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कभी कभी लिखने के तौर पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं भी, मैं जब भी बात करता हूँ यहाँ पे फ्लिकर हो रही है, इसका मतलब है कि आपका माइक अभी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। तो हम देख सकते हैं माइक भी। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रबल शूटिंग का जो ऑप्शन है वो देख सकते हैं हम। तो ट्रबल शूटिंग आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग बेसिकली क्या है कि आपका अगर कोई ट्रबल है, आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो उसको शूट करना, यानी उसका ठीक उपाय ढूंढना। तो यहाँ पे अगर आप यस क्लिक करोगे, जो अब हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो समय लगता है, और अगर यस क्लिक करोगे तो आपका ट्रबल शूटिंग शुरू हो जाएगा।
तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर में जो विंडोज़ सॉल्व कर सकता है वो अपने आप ही सॉल्व कर देगा और आपको फ्रेश कंप्यूटर अच्छे से क्लीन करके दे देगा। तो ट्रबल शूटिंग का तो यही फंडा है। फिर उसके बाद उसके बगल में आप यूज़र अकाउंट्स देख पा रहे हैं, तो यूज़र अकाउंट्स आप खोलें। तो यूज़र अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कि आप करंटली एडमिन हो और आप यूज़ कर सकते हो। आप आपका अकाउंट नेम बदल सकते हो कुछ यहाँ पे, और आप आपका पिक्चर बदल सकते हो। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, और आप अगर और भी पिक्चर्स डालना चाहते हो तो और भी डाल सकते हो। जैसे ये है, हमें अगर ये पिक्चर डालना है तो अभी ये पिक्चर बन चुका है। फिर आप अगर दूसरा अकाउंट यानी लेनोवो जो है हमारा दूसरा अकाउंट, उसको भी आप मैनेज कर सकते हो, और गेस्ट अकाउंट भी आप शुरू कर सकते हो। गेस्ट अकाउंट बेसिकली वही है कि पर फीचर्स कम होते हैं उसमें, तो बस वही है। तो यही था यूज़र अकाउंट का पेज। तो आप हम फिर से कंट्रोल पैनल में चलते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक विंडोज़ अपडेट वाला फ़ोटो भी है, तो उसको उस ऑप्शन को क्लिक करें। तो यहाँ पे विंडोज़ अपडेट बोलते हैं इसे, तो आप यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स क्लिक करें तो ये चेक करेगा अपडेट्स और आपको फटाक से बता देगा अगर आपका इंटरनेट फास्ट है। तो विंडोज़ के काफ़ी सारे अपडेट्स अक्सर आते रहते हैं, आप अगर चाहते हैं वो इंस्टॉल करना तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो काफ़ी बड़े फाइल के होते हैं और आपके पास अगर इंटरनेट फास्ट है तो आप प्लीज़ इंस्टॉल करें, क्योंकि काफ़ी बार वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। फ़िलहाल तो ये चेक फॉर अपडेट्स बहुत टाइम लगेगी, तो हम इसे मिनिमम बैक कर सके, वापस जा सकते हैं हम। यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे हम फिर आ गए हैं, और आखिरी में जो कंट्रोल पैनल की जो फिनिश है तो उधर हम आपको सिस्टम दिखाएंगे। तो ये रहा हमारा कंप्यूटर का सिस्टम। तो यही है इस कंप्यूटर की मेन सिस्टम पेज, यानी इसमें ही आपको सब कुछ बताती है कंप्यूटर क्या क्या चलती है, कैसे चलती है करके। शायद मैंने ये चीज़ें ये पहले भी बता दी थी हमारे कंप्यूटर वाले लेसन में। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो सिस्टम सेटिंग्स है, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, हार्डवेयर है, यहाँ कंप्यूटर नेम बदल सकते हो आप, सिस्टम प्रोटेक्शन है। तो ये बेसिकली आपका एक ऐसा पेज है जिधर आपको सब कुछ दिख जाएगा कि आप विंडोज 7 अल्टीमेट चला रहे हो और आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं करके। यही था हमारा कंट्रोल पैनल का आखिरी लेसन। यहाँ हमने काफ़ी सारी चीज़ें जाने, और आशा करता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, और आप ये वीडियो फिर देख के आप थोड़ा और क्लैरिटी पा सकते हैं। धन्यवाद।